नमस्कार, मैं निकिता वर्मा, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नए क्रिमिनल कानूनों पर कमेंट करने से सीजेआई का इनकार, कहा मामला कोर्ट में लंबित है, फिलहाल कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। 1 जुलाई से लागू हुए 3 नए क्रिमिनल कानूनों को लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कमेंट करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों का मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित है, इसीलिए इस मामले पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। सीजेआई मंगलवार यानी 2 जुलाई को दिल्ली में कड़कड़डुम्मा, शास्त्री पार्क और रोहिणी में 3 नई कोर्ट बिल्डिंग के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए दिल्ली हाई कोर्ट परिसर पहुंचे थे। इसी दौरान उसने नए कानूनों को लेकर सवाल किया था। इस पर उन्होंने कहा कि कोर्ट में आने वाले मामलों पर बोलना नहीं चाहिए, दरअसल देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। इन्हें आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लाया गया है। इन कानूनों के लागू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका लगाई गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा नए कानूनों के कुछ संवैधानिक वैधता को चुनौती देने की एक जनहित याचिका भी दायर की गई है, जिस पर अभी सुनवाई नहीं हुई है। इसीलिए सीजेआई ने कहा है कि कोर्ट में मामला लंबित है। इस साल दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ी है, हमने 2 हीट वेव झेली है, इसके बाद एक ही दिन में रिकॉर्ड बारिश का सामना किया। जलवायु परिवर्तन को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रीन लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए, इससे कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि कोर्ट कई नई इमारतें पर्यावरण अनुकूलन होगी।